हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्या, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग जो है आज रीड करेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम में आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि मानव जनन की जो है हम लोग आज जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मानव जनन में जो है हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार ढंग से, क्योंकि कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा इस प्रोसेस को जो है हम समझेंगे। क्या हमारे लिए जो है वायु इंपॉर्टेंट होता है, अंडाशय इंपॉर्टेंट होता है, तो किसके लिए स्पर्म की जरूरत होती है, किसके लिए जो है ओवरी की जरूरत होती है, सारे प्रोसेस को जो है हम लोग क्या है आज समझने वाले हैं। यानी कि हम लोग जो है आज इंपॉर्टेंट बातों को समझेंगे। तो पहले जो है हम पढ़ेंगे क्या, यहां मानव जनन के बारे में, ठीक है? मानव जनन को जो है बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। इसमें जो है इसके दो भाग होते हैं, एक नर होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, मादा होता है। तो नर के भाग को पढ़ेंगे और मादा के कुछ भागों को जो है हम लोग रीड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट जो है थोड़ा सा बात को हम थोड़ा समझेंगे, एक एक करके जो है थोड़े से बातों को पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रेडी करते हैं हम आज। सबसे पहले हम लोग यहां पढ़ेंगे क्या कि मेल गेमेट के बारे में, मेल गेमेट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहां पे फीमेल फीमेल जो है गेमेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? फीमेल गेमेट के बारे में पढ़ेंगे। मेल गेमेट का हिंदी रूपांतरण क्या होता है हमारा, यानी कि नर युग्मक, ठीक है? क्या होता है हमारा, नर युग्मक होता है, ठीक है? याद रखेंगे, नर युग्मक होता है। और फीमेल का क्या होता है हमारा, मादा युग्मक होता है, ठीक है? इस दो बातों को भरेंगे, जानेंगे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक। ये दोनों जब आपस में जो है क्या होते हैं, मिलते हैं, ये दोनों जो है आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का जो है निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो युग्मनज का जो है निर्माण होगा। और युग्मनज के बाद जो है किसका निर्माण होता है, तो युग्मनज के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो याद रखेंगे युग्मनज के बाद जो है भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण के बाद जो है किसका निर्माण हो जाता है, तो गर्भाशय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गर्भाशय का निर्माण होता है, और गर्भाशय के निर्माण के बाद जो है किसका निर्माण होता है, तो जो है एक सुंदर सा बेबी का जो है हमारे यहाँ प्रवेश द्वार खुलता है। यानी कि गर्भाशय में कितने दिन तक बच्चा रहता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि 9 महीने जो है बच्चा होता रहता है गर्भाशय में, और गर्भाशय के बाद जो है बेबी बाहर की ओर आता है। तो यह जो है प्रोसेस हमारा है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के अनुसार ही जो है बच्चा का जो है उत्पादन होता है, यानी कि बच्चा पैदा हमारा होता है। तो यह प्रोसेस जो है किसके लिए होता है, तो यह प्रोसेस जो है मानव जनन के लिए होता है। तो मानव जनन के हम कौन से भाग को पढ़ेंगे, तो आज जो है हम लोग भाग पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में जो है हम लोग क्या करेंगे आज जो है रीड करने वाले हैं, जो आपके लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं हम फिर क्लास को, और क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो है अब किसका निर्माण हो, थोड़ा सा इसमें जो है और चीज को जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखेंगे मेल में क्या बनता है, तो मेल में जो है हमारा शुक्राणु होता है। क्या होता है, पहले याद रखेंगे कि मेल में क्या बनता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। मेल किसका निर्माण करता है, स्पर्म का जो है, स्पर्म का जो है क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है? स्पर्म का जो है क्या करता है, यह निर्माण करता है। और वही फीमेल जो है किसका निर्माण होता है, फीमेल में तो अंडाशय का निर्माण होता है, ठीक है? किसका निर्माण होता है, अंडाशय का निर्माण होता है, यानी कि ओवरी का जो है निर्माण होता है, ठीक है? तो शुक्राणु जो है मेल का जो है यह क्या है, प्रजनन तंत्र है शुक्राणु, और फीमेल का क्या है, तो ओवरी यानी कि अंडाशय। जब शुक्राणु और अंडाशय जो है आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण हो जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे तो युग्मनज का उस समय निर्माण होता है। उसके बाद जो है जब दोनों जो है ओवरी के साथ यानी कि अंडाशय में जैसे ही स्पर्म प्रवेश कर जाता है, प्रवेश जो है कर जाएगा, ठीक है,
तो जैसे ही प्रवेश करेगा तो किसका निर्माण होता है, तो हमारा भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण के जस्ट बाद जो है क्या प्रोसेस होता है, 9 महीने के लिए बच्चा जो है गर्भ में रहना शुरू हो जाता है और सुंदर सा बेबी जो है इस धरती पर बृजमान हो जाती है। तो इस प्रोसेस को जो है हमने अच्छे से समझ लिया होगा। कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्ट जो है आप मुझे कमेंट करेंगे, इसका सोल्यूशन जो है आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब जो है हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातों को जो है अब सबसे पहले समझेंगे, यहां से जो है हम शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ध्यान देंगे, पहली बातों को जो है यहाँ पे पढ़ेंगे हम। यहाँ जो है बहुत सुंदर सा जो है एक मेल और फीमेल आपको दिख रहा है, और ये मेल और फीमेल के बदौलत ही क्या बना है हमारा, तो मेल और फीमेल के वजह से ही हमारा किसका निर्माण हुआ है, तो लैंगिक जनन का जो है हमारा निर्माण हुआ है। ओके, ठीक है, तो लैंगिक जनन का जो है निर्माण हुआ है। अब जो है आप लोगों को डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि लैंगिक जनन जो है किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन समझेंगे कि जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न लिंग अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो है दो भिन्न लिंग वाले जो है इसमें आदमी जो है व्यक्ति जो है आपको देखने को मिलेंगे या जीव जंतु भी मिलेंगे। यानी मान लीजिए कि ये तो हम जानते हैं कि यह जो है क्या है, एक लड़की है यानी कि गर्ल है, ठीक है, और यह जो है हमारा क्या है, तो यह हमारे जो है बॉय है। तो यह दो भिन्न लिंग वाले हो गए, नर और मादा, ठीक है। उसी प्रकार यहां भी जीव जंतु जो हो सकता है ना, जीव जंतु भी हमारा हो सकता है ना, कि जीव जंतु भी हो सकता है हमारा। तो इसमें जो है भी मेल और फीमेल होता है। जैसे मान लीजिए कि कुत्ता होगा तो फीमेल में जो है क्या हो जाएगी, हमारी कुतिया हो जाएगी, ठीक है, कुतिया हो जाएगी कि नहीं। तो उसी प्रकार जो है जीव जंतु में भी जो है मेल और फीमेल होता है, तभी तो उनकी जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगर मेल और फीमेल नहीं होंगे तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि नहीं होगी, यानी कि जनसंख्या उसका डेवलप होगा ही नहीं। मान लीजिए कि ये मेल फीमेल जब नहीं होंगे तो क्या जनसंख्या वृद्धि होगी, आप हम कहां से आए हैं, तो मेल और फीमेल की वजह से आए हैं, तो इनकी जनसंख्या में वृद्धि करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि अपने जैसे संतान की क्या करना, उत्पत्ति कर देना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो कुत्ता से क्या आया, कुतिया, इसका बच्चा तो भी होगा ना, इसका बेबी भी होगा, इसका बेबी भी तो होगा एक, ठीक है। तो यहाँ दो लिंग भेद वाले जो है क्या होते हैं, लोग होते हैं, यानी कि जिसमें दो भिन्न लिंग वाले क्या होते हैं अर्थात नर और मादा जो है भाग लेते हैं, उसी ही हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। तो यहां तक जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। अब यहां जो है हम इस पॉइंट को समझेंगे थोड़ा सा कि नर तथा मादा जनकों द्वारा अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है जो एक कोशिकीय संरचनाएं होती है। तो एक कोशिकीय संरचनाएं इसलिए होती है क्योंकि मेल फीमेल जो है यहाँ पे अलग अलग हैं। तो अलग अलग होंगे तभी जो है एक साथ मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो हमारा जायगोट का निर्माण होगा। जब जायगोट का निर्माण होगा तो तुरंत ही गर्भाशय भ्रूण का निर्माण होगा, तब जाके जो है सुंदर सा बेबी सामने आएगा। तो इसमें जो है क्या होता है, अलग अलग जो है क्या होते हैं प्रकार के युग्मक जो का जो है निर्माण होता है जो एक उसके संरचनाएं के होते हैं। इसे जो है आपको थोड़ा बहुत याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे सामने अब जो है यहां से पॉइंट बन के आता है कि यह फिगर जो है आप देख रहे हैं, यह फिगर जो है किसका है, तो यह फिगर हमारा स्पर्म का है, यानी कि शुक्राणु का फिगर है। ये किसका फिगर है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फिगर है। मैं यहां लिख देता हूं किसका है, तो शुक्राणु का है। किसका फिगर देख रहे हैं आप, तो यह जो है शुक्राणु का है, और शुक्राणु जो है किसमें पाया जाता है, तो शुक्राणु जो है मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। और शुक्राणु का निर्माण जो है कितने वर्ष में होता है, अब यहां से जो है बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। छोटी छोटी बातों को जो है अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो यहां देखेंगे कि मेल काल में जो शुक्राणु का निर्माण कब होता है, तो याद रखेंगे 11 साल से लेकर जो है 11 साल से जो है क्या होता है, शुरू होता है। 11 साल से क्या होता है कि यह जो है शुरू हो जाता है, ठीक है। 11 साल से स्पर्म बनना शुरू हो जाता है। हम कैसे जो है साबित कर देंगे कि यह लड़का मेल है और यह लड़का फीमेल है, तो इसको जो है हम यहां से इसको रुकते हैं यहां से। अब यहां जो है हम थोड़ा सा बात को जो है थोड़ा बहुत समझेंगे कि मेल और फीमेल की पहचान जो है कैसे हो जाती है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे मेल, और यहां जानते हैं हम फीमेल, ठीक है। यहां देखेंगे मेल और यहां देखेंगे हम क्या, फीमेल।
मेल की पहचान कैसे कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज को देखा होगा, सुना भी होगा कि गाय का बच्चा, आपने सुना होगा कि गाय का बच्चा, ठीक है, अगर जो है अगर मेल में जन्म लेता है, मेल में जन्म लेता है तो उसे बैल बोलते हैं, उसे सांड भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। यस या नो में जवाब देंगे आप, उसे यस या नो में जवाब देंगे कि एक गाय का बच्चा जो है मेल में अगर जन्म लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैल या सांड बोलते हैं। उसी प्रकार अगर फीमेल में वो जन्म ले लेता है, फीमेल में जो है वो जन्म लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक मिनट, उसे हम क्या बोलेंगे, चलो भाई ले लेते हैं यहाँ पे, गाय या बाछी बोलेंगे, ठीक है, गाय या बाछी बोलेंगे, ठीक है, बाछी होता है, बाछी से क्या बन जाएगा, वह गाय बन जाएगा। कब गाय बनेगा, जब उसके पेट में बच्चा हो जाएगा और बच्चा दे देगी तो वह गाय बन जाएगा, नहीं तो वह क्या रहेगा, बाछी बनकर वह रहेगी। ठीक है, यहां तक ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा इसको मैं साफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्या रहेगा, पहले रहेगा बाछी, उसके बाद बन जाएगा गाय। ठीक है, तो यह प्रोसेस होता है, ठीक है, लेकिन इसी गाय का बच्चा जो रहता है, जो बैल रहता है, जो बैल रहता है वह जो है किसी फीमेल, किसी फीमेल बैल जो है, बैल जो है किसी फीमेल जो है गाय के पीछे, यानी फीमेल गाय मान लीजिए, गाय के पीछे क्या आकर्षित होता है, यस या नो, आपको जवाब देना है, यस या नो, बैल जो है गाय के पीछे आकर्षित होता है, यस या नो, बताइए क्यों नहीं होता है, और होता है तो क्यों होता है, बैल के पीछे क्या है, बैल जो है इस गाय के पीछे आकर्षित होता है, बिल्कुल कम होता है, होता है लेकिन कम होता है, नहीं भी होता है, क्यों, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बैल जो है गाय के समूह में जो है घूमना शुरू करता है, गाय के समूह में क्या होता है, घूमना शुरू करता है। अगर मान लीजिए कि फीमेल के साथ अगर एक मेल घूमे तो वह फीमेल का रूप धारण कर लेता है, ये बात बिल्कुल कटुत ही सत्य है कि कोई भी अगर बहुत ज्यादा समूह अगर फीमेल का हो, उसमें एक मेल को डाल दिया जाए तो वो मेल धीरे धीरे क्या बन जाएगा, फीमेल बन जाएगा, यानी लोगों के प्रति जो है उसकी आकर्षण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसी प्रकार बैल हो जाता है। ठीक है, और बैल के व्यापक रूप क्या हमारा होता है, सांड होता है, तो सांड का जो है हम क्या करते हैं, उसके टेस्टोस्टेरोन को दबाते नहीं है, लेकिन बैल को टेस्टोस्टेरोन को दबा देते हैं, टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं हम, दबा देते हैं बचपन में ही, तो वह बैल बन जाता है, और इसके टेस्टोस्टेरोन को जो है हम क्या करते हैं, दबाते नहीं है, तो वह क्या बन जाता है, हमारा सांड बन जाता है, और सांड जैसे ही बनता है वह गाय के पीछे क्या हो जाता है, आकर्षण क्षमता उसकी बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो है अगर हम बात करें आप लोगों से, उसी प्रकार अगर हम बात करें मेल और फीमेल की, जैसे हम बात करें आप लोगों से, तो मेल और फीमेल की जो है तुलना में देखेंगे कि मेल जो हमारा है और यहां जो क्या है हमारा फीमेल है, तो देखेंगे कि 11 वर्ष के बाद विपरीत लिंग वाले, यानी विपरीत लिंग कौन हो जाएगा, हमारा फीमेल, विपरीत लिंग क्या होगा, हमारा फीमेल, फीमेल के पीछे जो है क्या होना, आकर्षित होना, आकर्षित तो होता है, आकर्षित कोई बच्चा अगर 11 साल के बाद किसी फीमेल के पीछे आकर्षित होता है, उसकी खूबसूरत को वो देखता है और आपको बोलता है कि वो बहुत ही सुंदर है, वो बहुत अच्छी चलती है, वो बहुत अच्छी हंसती है, हाँ, तो समझ लीजिएगा कि आपके घर में जो 11 वर्ष का लड़का है वो प्योर क्या है, मेल है। इससे जो है आप साबित कर सकते हैं कि वह मेल है। देखेंगे मेल में भी जो है बहुत तरह के होंगे, उसके दाढ़ी मोछ, इससे उसकी पहचान नहीं हो सकती है कि वह क्या है, मेल है। दाढ़ी मूछ आ गया तो वह मेल की पहचान नहीं है। उसके शरीर में जो है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके टेस्टोस्टेरोन में क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी शुक्राणु का जो है अंड में निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब अंड में जो है शुक्राणु का निर्माण होने लगेगा तो स्वतः ही वह क्या होगा, विपरीत लिंग वाले के प्रति जो है क्या हो जाएगा, आकर्षित होने लगेगा। तो यह साबित हो जाता है कि वह लड़का जो है हमारे घर में, वह लड़का क्या है, मेल है। अगर वह उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं हो रहा है तो वह किसी विपरीत लिंग वाले के पीछे आकर्षित नहीं हो रहा है,
तो वह हमारा क्या बन जाता है, तो छक्का हमारा बन जाता है, यानी कि वह क्या व्यक्ति बन जाएगा, छक्का हो जाएगा। यानी कि ना वह विपरीत लिंग वाले के प्रति आकर्षित हो रहा है, वह सिंपल जो है लड़कियों के कुछ गुणों को क्या कर रहा है, अपना लेता है, तो वह क्या बन जाता है, छक्का बन जाता है। तो इस हिसाब को जो है आप समझ लीजिए कि 11 बरस के बाद जो है अगर विपरीत लिंग वाले के प्रति आकर्षित बढ़ रही है तो उसे आप बोल सकते हैं कि वह जो व्यक्ति है, वह जो लड़का है, वह क्या है, तो वह मेल है। ठीक है, यहां तक जो है आपने समझ लिया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। अब जो है हम जो है यहां से अब थोड़ी सी बातों को समझेंगे। ठीक है, यहां ध्यान देंगे हम लोग अब थोड़ी सी बातों को, यानी कि नर युग्मक को शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु या स्पर्म, यह हमारा क्या है, तो यह हमारा क्या है, स्पर्म है, यानी कि यह क्या है, हमारा शुक्राणु है। तो यह फिगर जो देख रहे हैं ऐसे ही शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, और मादा युग्मक को अंडारु या ओभम कहते हैं। यह जो दिख रहा है आपका फिगर, यह जो है ये पीला वाला भाग दिख रहा है, ये पीले वाला भाग क्या है, हमारा अंडारु है, यानी कि अंडारु बोल सकते हैं इसे, क्या बोले हैं, अंडारु है। ठीक है, यह क्या है, हमारा अंडारु है, और ये किसमें पाया जाता है, तो अंडारु जो है फीमेल में पाया जाता है और शुक्राणु जो है हमारा मेल में पाया जाता है। ओके, शुक्राणु है। लैंगिक जनन में ये दोनों मुख्य क्रियाएं होती है, क्योंकि लैंगिक जनन जब होगा, जब मेल और फीमेल आपस में जो है मिलेंगे, तो किसका निर्माण होता है, तो पुरुषों में जो है शुक्राणु की संख्या में वृद्धि होने लगती है, यानी कि उत्सेचना शक्ति जो है बढ़ने लगती है, और फीमेल में जो है उसका अंडाशय शुक्राणु से मिलने के लिए जो है बेताब हो जाता है। तो शुक्राणु जो है कहाँ आकर रुकता, सॉरी अंडाशय जो है कहाँ आकर रुकता है, तो अंडाशय जो है फिलोपियन ट्यूब के पास जो है आकर रुकता है, किससे मिलने के लिए, तो शुक्राणु से मिलने के लिए। यानी कि नर में मुख्य क्रियाएं होती है, किसके वजह से होती है, तो पहली क्रियाएं जो है अंडाशय से, और दूसरी क्रियाएं जो होगी हमारी किससे, शुक्राणुओं से होती है। पहले युग्मक का निर्माण दूसरे युग्मक के संयुग्मन या संलग्न, नर युग्मक का मादा युग्मक में संलग्न होता है, जिसे जो है क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, या अपना फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन का मतलब क्या होता है, निषेचन का अर्थ होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होती है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया हमारी होती है कैसे, कि जब नर और मादा दोनों जब आपस में यूं मिल गए, और मिलने के बाद जो है क्या होती है, निषेचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और निषेचन क्रिया प्रारंभ होने के बाद जो है उनके योनि में जो है क्या, स्पर्म प्रवेश कर जाता है, और स्पर्म प्रवेश करने के बाद जो है धीरे धीरे किसके पास जाता है, तो फिलोपियन ट्यूब के पास जाता है, और फिलोपियन ट्यूब के पास कौन रुका रहता है, तो फिलोपियन ट्यूब के पास अंडाशय यूं बैठा रहता है। तो अंडाशय में जैसे ही स्पर्म प्रवेश करेगा तो किसका निर्माण हो जाता है तुरंत, माय डियर स्टूडेंट, तो भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण का निर्माण हमारा होता है, और भ्रूण के निर्माण जैसे ही होगा तो 9 महीने के बाद जो है गर्भाशय भ्रूण में जैसे प्रवेश करेगा तो गर्भाशय का निर्माण होगा, और गर्भाशय के निर्माण के बाद जो है किसका, तो एक सुंदर सा बेबी 9 महीने बाद जो है आ जाएगा। तो यहां जो है एक छोटे से फिगर के माध्यम से अगर हम समझ लेते हैं तो और बेटर जो है हो जाएगा हमारे लिए। क्या बेटर होगा कि यहां जो है हम थोड़ा सा एक प्रोसेस को समझेंगे, या जो है मैं फिगर बना रहा हूं इसको जो है ध्यान पूर्वक आपको देखना है। यह फिगर जो मैं बना रहा हूं थोड़ा सा उड़े सूढ़े बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बनाता हूं एक बार, इसे जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसको जो है आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, यूं ऐसे में दिल ही बना दिया, चलो दिल ही सही, नहीं दिल बना देंगे तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सर क्या दिल और बना देते हो ना, तो चलो दिल ना बना के मैं डायरेक्ट गर्भाशय का जो है फोटो बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे, यूं ऐसे जो है क्या होगा हमारा, यह जो है लाइन जो मैं बनाया, इस लाइन को जो है हम क्या कहते हैं, इस लाइन को जो है हम कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, यानी कि फिलोपियन नालिका होता है, फिलोपियन नालिका से जस्ट नीचे थोड़ा सा यूं नीचे दोनों साइड से, ऐसे दोनों साइड से थोड़ा सा बना लीजिएगा। यहां जो होता है क्या मौजूद होता है, तो यहां जो है क्या मौजूद होगा, दो अंडाशय मौजूद होगा, और फीमेल में दो अंडाशय मौजूद होते हैं। इस अंडाशय को कौन पकड़ के रखता है, तो इस अंडाशय को जो है कीप पकड़ के रखता है, कौन पकड़ के रखता है, इस अंडाशय को कीप पकड़ के रखता है, कीप अपने हाथों से कीप पकड़ के रखता है, और इस अंडाशय में जो है
यहां इस अंडाशय में की प्रवेश करके रखता है। जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की जैसे ही क्रिया संपन्न होगी, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तो क्या होगा कि स्पर्म जो है शुक्राणु जो है प्रवेश कर जाता है। शुक्राणु क्या होगा, पूरे प्रवेश कर जाएगा। अब देखेंगे कि अगर शुक्राणु हमारा इसमें प्रवेश कर गया तो अब कहां जाएगा, तो यह अंडाशय जो है धीरे धीरे चलकर इस फिलोपियन ट्यूब के पास जो है आकर यूं रुका रहता है, और जैसे ही शुक्राणु इसमें जो है प्रवेश करेगा तो यह अंडाणु इसको देगा और तुरंत जो है किसका निर्माण करेगा, गर्भाशय का जो है यह निर्माण करेगा, और गर्भाशय के निर्माण होने के बाद इसी रास्ते से जो है बेबी बाहर की ओर निकल जाएगी। तो इस हिसाब को जो है हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मैं आपको फिगर के साथ जो है पूरे डिटेल्स में जो है आपको समझाने वाला हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको डिटेल्स में सब कुछ जो है फिगर के अकॉर्डिंग जो है मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है चित्र बनाने में मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको समझने में तो दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे चित्र बनाने में दिक्कतें हो रही है। ठीक है, अब देखेंगे हम थोड़ा सा कि इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ जो है हमारे सामने जो है आपके सामने यह दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो बहुत ही अच्छा चीज दिख रहा है कि नर युग्मक यानी शुक्राणु या स्पर्म क्या होता है। ठीक है, यहां देखेंगे कि इसे जो है हम क्या कहते हैं, स्पर्म, शुक्राणु को स्पर्म तो इंग्लिश में हम बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं वायर, क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं, यानी कि स्पर्म को वायर बोलते हैं। ठीक है, एक जैविक तरल पदार्थ है। अब जो है आप लोग को याद यहां पर रखना है कि शुक्राणु जो है यानी कि वायर जो है, स्पर्म क्या है, स्पर्म हमारा क्या है, एक तरल पदार्थ है, यानी कि जैविक तरल पदार्थ होता है जिसे औरत की योनि की में छोड़ा जाता है, यानी कि किसा औरत के योनि में छोड़ा जाता है। स्पर्म का काम क्या होता है कि निषेचन के बाद जो है उसे डिस्चार्ज वो ऑटोमेटिक श्वेता हो जाता है, और डिस्चार्ज होने के बाद जो है उसकी योनि में वो प्रवेश कर जाता है। वीजीय तथा वार तरल भी इसे कहते हैं जिसमें सामान्य शुक्राणु स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि इस स्पर्म में क्या पाए जाते हैं, तो इस स्पर्म में जो है शुक्राणु पाए जाते हैं। स्पर्म में क्या पाए जाते हैं, तो इस स्पर्म में जो है क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु जो है पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं, और यही शुक्राणु जो है किसमें प्रवेश करता है, तो योनि में प्रवेश कर जाता है, और योनि में प्रवेश करने के बाद जो है बच्चा का निर्माण हमारा होता है। तो इस प्रोसेस को जो है यहां तक आपने समझ लिया है, इतना ही जो है आपके सामने में रखूंगा आज की क्लास में। ठीक है, कल जो है हम लोग पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में स्पर्म के बारे में, यानी शुक्राणु के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है बच्चा उत्पन्न शुक्राणु के वजह से होता है, कैसे बच्चा जो है नहीं हो पाता है, क्या हमारा शुक्राणु कमजोर होता है, क्या हमारे शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, शुक्राणु जो है गड्ढा नहीं होता है, शुक्राणु हमारा पानी की तरह तरल होता है, या जो है बुलब चिपचिपा होता है, कैसा शुक्राणु का निर्माण होता है, इस सारी प्रोसेस को जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।